हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी एट्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन तो अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको बता कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल शुरू करने से पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया इन्वॉल्व फिजिकल फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से होता है ऑप्शन आर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट बी डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल टू स्टेट्स सी सेटिंग अप ऑफ फिनंस कमीशन एवरी फाइव ईयर्स या डी ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशन विद तो पार्लियामेंट किस तरीके से लॉ बनाता है विद ऑप्शन आर ए कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न बी कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स सी कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द स्टेट्स या डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट क्वेश्चन नंबर टू वॉज दिस क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस कोर्ट्स टू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वाइल सम फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजनस फ्यू आर एप्लीकेबल टू फॉरिनर्स एज वेल अब आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वन ओनली टू ओनली बोथ या None. तो इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे या फिर आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे तो यू विल गेट आंसर्स इन द टेलीग्राम ग्रुप और द वेबसाइट्स मेन क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं मेन क्वेश्चन ऑफ डे है व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन हाउ कैन इट हेल्प द इकॉनमी वॉट इज एसेट मॉनिटाइजेशन एंड हाउ इट कैन हेल्प द इकोमी सो दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर टूडे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते के करके सबसे पहली बात आपको दिख रही होगी सेंट्रल टू ईज पाथ फॉर मोनेटाइजेशन तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने कहा है दैट सून द गवर्नमेंट विल ओपन दोर्सेज ऑफ़ मोनीटाइजेशन मोनेटाइजेशन के सोर्स को इम्प्रूव करेंगे और इसके लिए उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई थी चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हो चाहे वो पी एफ आर डी हो चाहे वो आई आर डी ए हो तो इस तरीके से वो एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात की जा रही है एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात का मतलब क्या होता है लेट मी टेल यू दैट एक्सप्लें यू दैट तो क्या होता है गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती जैसे गवर्नमेंट का सपोज कोई लैंड है गवर्नमेंट लैंड इज देयर अब ये गवर्नमेंट का लैंड सपोज करो कि असम में एक ऐसी जगह पे है जहाँ इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है सपोज इट इज लोकेटेड इन अ पार्ट ऑफ आसाम जहाँ इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट इस लैंड को मोनिटाइज कर देगी कैसे मोनिटाइज करेगी कोई दूसरी प्राइवेट एंटिटी रहेगी वो इस लैंड को बीस या तीस साल के लिए ले लेगी बोलेगी ठीक है बीस या तीस साल के लिए आप हमको ये लैंड ले दे दो आपके यहाँ तो यूटिलाइज हो नहीं रहा है जस्ट गिव अस दिस लैंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इड इन टू एसेट कुछ हम उसमें करेंगे और उसमें तो लमसम अमाउंट पे करती है जो प्राइवेट पार्टी है ना बोलती है जी बीस बीस साल के लिए हमको पाँच लाख में या दस लाख में या आप हमको दे दो ठीक है ना अब उस बीस साल में वो उस लैंड से कोशिश करेगी वो प्राइवेट एंटिटी कि पाँच लाख से ज़्यादा दस लाख से ज़्यादा कमा सके तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या मिला गवर्नमेंट को उस जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था लैंड उससे उसको वैल्यू मिल गई और प्राइवेट पार्टी को भी उसका बेनिफिट मिल गया सो दैट इज़ बेसिकली वॉट वी वी कॉल इट एज़ एसेट तो ठीक है ना ऐसे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ इनकी मीटिंग की गई ठीक है ना अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या किस तरीके से मोनेटाइजेशन का रास्ता साफ किया गवर्नमेंट ने नीति आयोग लगभग छह लाख करोड़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत देगा नीति आयोग क्या करेगा इट विल बी स्टेयरिंग सिक्स लाख करोड़ अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड इट वांट्स इंफ्रा इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स स्ट्रीमलाइन अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर दूसरा देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल विल बी विच वॉज शेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू नज रेगुलेटर्स टू ईज रेगुलेशन रेगुलेशन को कम करने की बात की जा रही है एफ के लिए बोलेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का देखो लिखा हुआ है इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर तो इसको चेयर कौन करता है एफएसडीसी को फाइनेंस मिनिस्टर करता है आर बी आई से बी पी एफ आर डी ए आई आर डी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स आर पार्ट ऑफ़ द काउंसिल डिजाइन टू इनहेंस इंटर रेगुलेटर कोऑर्डिनेशन तो इंटर रेगुलेटर कोर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो पी आर बी आई से भी पी एफ आर डी आई आर डी ए है इनके इन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल जो हैं दे आर पार्ट ऑफ़ द काउंसिल ठीक है council, ना अब आपको इस पूरे जो ये आया था ये तीन पॉइंट्स इनमें से दो चीज़ों के बारे में बता मैं एफ एस डी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बेसिकली एपेक्स लेवल बॉडी है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का जो आइडिया था वो रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में दिया था याद रखेगा एफ को बनाने का जो आइडिया था वो रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में दिया था 2008 में दिया था ठीक है ना एंड फाइनली फिर प्रणब मुखर्जी के अंदर का 2010 में इसको बनाया गया एंड एफ का जो मेन काम है वो यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेनटेन करना और इसके लिए अलग अलग, अलग अलग मेजर्स स्टैंडर्ड्स बनाना ठीक है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क बनाना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप रखेगा कि ये जो कमेटी है ये स्टेटूटरी बॉडी नहीं है दिस दिस इज नाइदर स्टेटूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफ इज़ नॉट अ स्टेटूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होने का सवाल तो होता ही नहीं है दस इसके अलावा एक और चीज़ कि इसको हेड कौन करता है इसको हेड कर, करता है यूनियन फिनंस मिनिस्टर एंड इस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं तो मेंबर्स में आता है आपका गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिनेस सेक्रेटरी एंड और द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फिर आपका आई का चेयरमैन पी का चेयरमैन आई बी बी आई यानी कि इंसॉलवेंस इन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सारे मेंबर होते हैं आपके एफ एस डी सी के आपको इस तरीके से याद रखना है दट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रिमेम्बर इट ठीक है ना दूसरी जो बॉडी हम पढ़ेंगे वो है पी एफ आर डी है पी एफ आर डी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसका रेगुलेटर की तरह काम करता है पेंशन सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसके लिए पॉलिसीज बनाना किस उसके कोई डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करना और ये सब सॉल्व करने के लिए पी एफ आर डी बनाया गया एज अ रेगुलेटर ऑफ द पेंशन फर्म इसको बनाया गया था और याद रखिएगा तेईस अगस्त 2003 को ट्वेंटी थर्ड अगस्त टू को यह बना था पेंशन सेक्टर में हेडक्वार्टर न्यू डेली में है एजेंसी एग्जीक्यूटिव समय सुप्रतिम बंदोपाध्याय चल रहे हैं चेयरपर्सन पेरेंट एजेंसी इसकी है डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज याद रखिएगा पेरेंट एजेंसी क्या है डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगा ऑबियस बात है टाइप है इसका स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन है एंड ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है क्योंकि 2013 में इसके लिए एक एक्ट आया था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 में आया था पास हुआ था नाइनटीन सितंबर 2013 में एंड इसको नोटिफाई किया गया था 11 फरवरी 2014 को इलेवेंथ फेबर 2014 को पी एफ आर डी ए जो है वही एन पी एस को रेगुलेट कर रहा है पी एफ आर डी ए इज़ रेगुलेटिंग एन पी एस एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पी एफ आर डी ए ही एन पी एस जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम है ना नेशनल पेंशन स्कीम है इसको कौन हैंडल कर रहा है पी एफ आर डी ए ही कर रहा है

दीपोर बिल और दीपार बिल यहाँ दीपार बिल लिखा है मैं पहले दीपोरविल पढ़ता था पता नहीं बुक्स में दीपोर बिल भी लिखा रहता है तो दीपोर बिल दीपार बिल दोनों ही आप याद रखेगा इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा सा ये अच्छे से सांस ले सकती है ये वाटर बॉडी तो दीपोर बिल आप सबको पता होना चाहिए कि आसाम में लोकेटेड है आसाम का एकमात्र ये वेटलैंड है जिस इज अंडर द रामसर साइट ठीक है ना तो दीपोर बिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन आसाम फ्रेश वाटर लेक्स में आती है दीपोर बिल एंड इट इज द स्टेट्स ओनली रामसर साइट बिसाइड बीइंग एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ये एक बर्ड एरिया भी इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी आसाम की एकमात्र रामसर साइट भी है ठीक है ना तो ऑथर ने कहा कि 25 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वयरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द दीपोर दीपोवील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ना ऑन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी तो ये साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी में लोकेटेड है और इसका इको सेंसिटिव जोन कि इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कहाँ से कहाँ तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती कहाँ से कहाँ तक आप घूम नहीं सकते जा नहीं सकते है ना ये सारी चीज़ें कल कल इन, इन दीपोर बिल के लिए डिसाइड की गई हैं अब यहाँ पे कुछ रोमिला बोरो नाम के जो यहाँ पे काम करते हैं इन्वामेंटलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आठ साल लेट ये फैसला आया दूसरी चीज़ एक और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है जो कि सबसे अधिक नुकसान क्रिएट करता है वहाँ पे कई बार एलिफेंट्स का भी एक्सीडेंट हो चुका है और ये सब चीज़ें हैं रेलवे ट्रैक है एंड इट कट्स थ्रू द दीपोरवील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो दीपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कट करता है ये आपका एक रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को भी यहाँ से डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है ना लेफ्ट सी कि डाइवर्ट होता है कि नहीं बट फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स दिस टू फैक्ट्स विच आई हैव हैप यू विल रिमेंबर देम आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी सेफली यहां आपको नहीं मिलेगा सैटरडे का दिन है वैसे भी थोड़ा न्यूज़ कम रहती है एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की ना दिस इज द आर्टिकल बहुत प्यारा आर्टिकल है जिस जो आज लिखा गया है आई होप यू विल रिमेंबर इट स्टार्ट करते हैं द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ एसेट मोनीटाइजेशन गवर्नमेंट ने एक एसेट मोनीटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिया है आप सबको पता है इट होप्स टू अर्न सिक्स ट्रिलियन डॉलर इन रेवेन्यूज सिक्स ट्रिलियन रुपीज सॉरी सिक्स ट्रिलियन रुपीज़ इन रेवेन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर चार साल में गवर्नमेंट को लग रहा है कि छः ट्रिलियन रुपीस रेवेन्यू को मिलेगा अगर वो एसेट मोनेटाइजेशन करता है तो एसेट मोनेटाइजेशन में होता है क्या देखो यहां पे लिखा हुआ है इन एसेट मोनेटाइजेशन द गवर्नमेंट पार्ट्स विद एसेट्स मतलब कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स किसी और को दे देता है लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होते है। ये आपको इंपॉर्टेंट अपने एसेट जरूर गवर्नमेंट देता है लेकिन वो केवल यूज के लिए देता है ओनरशिप उसमें ट्रांसफर नहीं होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो गवर्नमेंट के पास दोबारा एसेट रिटर्न करके आ जाएगा ठीक है ना

और बाय मोनेटाइजेशन एसेट्स इट हैज़ ऑलरेडी बिल्ट द गवर्नमेंट कैन अर्न अर्न रेवेन्यूज टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे में गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है तो एसेट मोनेटाइजेशन विल हैपन मेनली इन थ्री सेक्टर्स अब तीन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मेनली एसेट मोनेटाइजेशन के लिए है रोड्स रेलवेज एंड पावर तो रोड रेलवेज एंड पावर याद रखेगा दी जाद थ्री सेक्टर जहां पर एसेट मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है अदर एसेट्स कुड भी मोनाटाइज जो एसेट्स जो मोनाटाइज हो सकते हैं वो है एयरपोर्ट्स पोर्ट्स टेलीकॉम स्टेडियम टेलीकॉम्स स्टेडियम्स पावर ट्रांसमिशन ये सारी चीज़ें दैट इज़ अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर मेनली तीन सेक्टर हैं रोड्स रेलवेज एंड पावर और दूसरे एसेट जो कि मोनाटाइज हो सकते हैं वो है एयरपोर्ट पोर्ट टेलीकॉम्स स्टेडियम्स एंड पावर ट्रांसमिशन तो ये आपको याद रखना दीज आर अ थिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये दो तरीके के एसेट्स हो सकते हैं ठीक है ना एक और थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है यहाँ पे दो तरीके के एसेट्स हो सकते हैं पहला एसेट है अंडर यूटिलाइज एसेट्स, अंडर यूटिलाइज एसेट्स तो अंडर यूटिलाइज एसेट वो एसेट होता है जिस जो कि अभी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट जिससे गवर्नमेंट को प्रॉपर ना ही वो यूज़ में इतना आ रहा है ना ही उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर फोकस ये रहेगा गवर्नमेंट का मेनली कि अंडर यूटिलाइज जो एसेट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मोनिटाइजेशन किया जाए एंड जो मोनिटाइजेशन होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होगा एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में होगा यानी कि एक तो पी 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 मोड में होगा पी 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 मोड में होगा या फिर इन्विट्स इन्विट्स बोलते ना इन, आपका इन्वे, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोल बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं तो इनविट्स के रूप में होगा तो अब एक एक करके ऑथर जो है उसको एग्जामाइन करेगा अब ऑथर ने कहा कि अगर कोई अंडर यूटिलाइज चीज़ है अंडर यूटिलाइज स्टेडियम है या अंडर यूटिलाइज पीस ऑफ लैंड है जिसको एडिक्वेटली अभी यूज़ नहीं किया गया है या फिर उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की गई तो प्राइवेट पार्टी आएगी वो जज कर सकती है कि एसेट के क्या वर्थ है वो गवर्नमेंट को पे करेगी है ना

and by making the necessary investment the private player can reap the benefits of a higher level of cash flows तो so, necessary investment अगर वो investment कर देता है उस property पर तो private player उसमें higher levels of cash flows भी generate कर सकता है तो ये अंडर यूटिलाइज फॉर्म्स में बेसिकली एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करता है प्रॉपर्टी को निखारता भी है और उसके बाद कैश फ्लो भी बढ़ता है इकोनॉमी को बेनिफिट भी मिलता है सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द गवर्मेंट एंड द प्राइवेट प्लेयर जहाँ पर एक तो फेयर वैल्यू गवर्नमेंट को मिल गई एसेट की दूसरी बात जो प्राइवेट प्लेयर था उसको रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे तो इकोनॉमी विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस एज दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी इकोनॉमी को बेनिफिट ही मिलता है ठीक है ना तो यहां पे ऑथर ने इस तरीके को ज्यादा फेवर किया है अब दूसरा एसेट्स ऐसे हैं जो वेल यूटिलाइज्ड हैं ऑलरेडी वेल यूटिलाइज्ड हैं तो मैटर्स कुड बी वेरी डिफरेंट इन मोनेटाइजेशन ऑफ एन एसेट दैट इज़ वेल यूटिलाइज अब अगर कोई प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा हो रहा है एसेट तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा किया जाने की संभावना नहीं रहती फॉर एग्जाम्पल सपोज दे इस ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक हाईवे अगर कोई ऐसा हाईवे है जिसमें ट्रैफिक बहुत अच्छा है तो इन ऐसे केस में प्राइवेट प्लेयर बहुत लिटिल इंसेंटिव है टू इन्वेस्ट तो उसमें बहुत मतलब ऑलरेडी वो एसेट बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है तो आप बताओ प्राइवेट प्लेयर क्यों उसमें कुछ इन्वेस्ट करेगा जब वो बिना इन्वेस्टमेंट के ही वहाँ पे प्रॉपरली उसका यूज़ हो रहा है तो प्राइवेट प्लेयर उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ऐसे में ही विल जस्ट सिंपली ट्राई टू वर्क विद डैट और ऐसे में कैश फ्लो का बढ़ना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द कैश फ्लो विल नॉट बी मच है ना क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया नहीं जैसे वो पहले था लगभग ऐसे ही चलेगा ठीक है ना तो यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं प्राइवेट प्लेयर के लिए वो थोड़ा कम रहते हैं गवर्नमेंट के बेसिकली वही रहता है कि Uh, 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 मतलब कि ऑलरेडी बोले कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी का भी जो मॉडर्नाइजेशन हो सकता था वो नहीं होता है सो नीडलेस टू से दैट कि गवर्नमेंट कौन से रिसोर्सेज uh, का मोनेटाइजेशन करे तो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं उनका अगर आप मोनेटाइजेशन करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना केवल वो इकोनमी के लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि प्राइवेट पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा ठीक है ना सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑथर ने इसको फेवर किया है अब दूसरा कौन सा मेजर चैलेंज है जो कि आएगा तो ऑथर ने कहा है दूसरा जो मेजर चैलेंज है वो है वैल्यूएशन का कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हो आप सपोज करो आपने बोला कि 30 साल के लिए चलो आप यूज़ कर लो लेकिन 30 साल तक क्या ग्रोथ रेट रहने वाला है प्रॉपर्टी के क्या दाम रहने वाले हैं या फिर अपनी इकॉनमी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है ये कोई नहीं जानता कितना ज़्यादा वो रोड यूटिलाइज़ होगा कितना ज़्यादा वो पोर्ट यूटिलाइज़ होगा कितना ज़्यादा वहाँ पे क्या रहेगा ये भी कोई नहीं जानता तो ऐसे में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है ठीक है ना अमूमन लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट रेट पर फिर करना शुरू कर देते हैं लेकिन क्या वो सही है क्या वो ट्रू वैल्यू रिटर्न मिल रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमी किस तरीके से टर्न लेती है क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यूएशन क्या होगा ठीक है ना कि एक एरिया की इकोनॉमी कैसी रहने वाली है अपन अभी से कैसे जज कर सकते नहीं जज कर सकते ना सो दैट इज द मेजर इशू विच इज़ हैपनिंग देयर अब ऑथर ने पे एक और बोला है कि अल्टरनेटिवली uh, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि बहुत ज्यादा हो सकता है प्राइवेट प्लेयर क्या करे एक, एक इशू जो मेजर ये है कि प्राइवेट प्लेयर ने सपोज कोई रोड ले ली अब उन्होंने क्या किया आगे जाकर के वहां पर हैवी टोल लगाने लगे बहुत ज्यादा टोल चार्ज लेने लगे तो ऐसे में क्या होगा कि पूरे की पूरी जो कॉस्ट होगी किसके ऊपर आएगी वो कस्टमर पर आ जाएगी पूरी की पूरी जो कॉस्ट होगी वो कस्टमर पर आ जाएगी ऐसे में जो नुकसान होगा वो कस्टमर का होने लगेगा सो इट विल बी द कस्टमर हु विल एंड अप अपरिंग द कॉस्ट ऑफ दैट सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम कि ऐसे में हो सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट होता है है ना ना वो के साथ नहीं कर पाता है ना? और अपना अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं कॉस्ट विल बी मतलब कि जो पूरी ब्रंट है वो कौन फेस करेगा वो कस्टमर फेस करेगा ऐसे केस में इसके बाद एक और चीज है कि अगर uh, uh, प्राइवेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जब एंड ऑफ द टेन ईयर हो रहा है मोनोटाइजेशन का मतलब सपोज दस सालों के लिए किया था अब दस सालों के लिए किसी प्राइवेट एंटिटी को आपने दिया था अब आठ साल के बाद उस प्राइवेट एंटिटी को लगाया गया कि चूंकि अब दो ही साल मेरे पास बचे हैं इसलिए देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर मी टू इन्वेस्ट ऑन दिस प्रॉपर्टी तो वो उस पर इन्वेस्ट करना बंद कर देगा ठीक है ना या फिर अगर मान लो किसी कोई कोई ऐसा एसेट है जो कि किसी ने एक दो साल के लिए के लिए ही लिया है तो उसके पास भी ऐसा कोई मतलब कहना चाहिए कि रीज़न नहीं है कि वो इस पर इन्वेस्टमेंट करे तो दैट इज द थिंग दैट इज द होल प्रॉब्लम कि जब एंड ऑफ द टेनर आएगा तो उस पर इन्वेस्टमेंट जो है पूरा पुर, का पूरा घट जाएगा इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने कही कि इसीलिए जो पीपीपी मोड है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मोड है वो थोड़ा ट्रवलसम मोड है क्योंकि इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट ये सब कोलाइड करेंगे uh, ये तो दूसरा तरीका जो ऑथर ने दे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट बोलते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको कि इन्विट बोलते हैं यहाँ पे आ, क्या होता है गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड इट एज़ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्ज वेल तो गवर्नमेंट ने कहा है कि यह हम इसके माध्यम से भी कर सकते हैं अब इसमें होता क्या है टू विच मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेबल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड तो इनविट्स में मोनेटाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा इन्विट्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के जैसे होते हैं म्यूचुअल फंड्स के जैसे होते हैं मतलब कि कोई आप एक व्यक्ति है वो एक यूनिट को सब्सक्राइब कर सकता है उस यूनिट के अंतर्गत अलग अलग लोकेशंस के उसके बेसिस पे आपको वो रहेगा और उसमें आपको डिविडेंट मिलेगा तो इनविट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इन्विट्स बेसिकली ऑफर अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स तो एक एसेट्स का पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप ले सकते हो जहाँ पे बेनिफिट यही जैसे म्यूचुअल फंड में जो बेनिफिट है ना कि डाइवर्सिफिकेशन आपने डाइवर्सिफाई कर लिया अपना बास्केट तो वही बेनिफिट यहाँ पे मिलता है डायवर्सिफी एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है एंड एसेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड एट एनी कंस्ट्रक्शन स्टेज और आफ्टर दे हैव स्टार्टेड अर्निंग द रेवेन्यूज तो एसेट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो बाद में भी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे या फिर आपको जब उससे रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए तो दैट इज द बिग एडवांटेज इन दिस केस है ना इनविट्स uh, वाले में अब ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रा किया है पहला ये कि पब्लिक अथॉरिटी हैज़ इनहेरेंट एडवांटेजेस ऑन फंडिंग साइड फंडिंग के लिए जो एडवांटेज होता है वो पब्लिक अथॉरिटी को रहता है एंड इकोनमी सबसे द बेस्ट सर्वड तब रहती है व्हेन पब्लिक अथॉरिटीज डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोनिटाइज डीज तो ऑथर ने पहला जो कंक्लूजन कहा है वो ये कहा है कि पब्लिक अथॉरिटी भैया पहले तो एक तो चीज़ की करे कि डेवलप करे एसेट्स दूसरा वो इसको मोनेटाइज करें सेकंड उन्होंने कहा है कि जो आपका इनविट्स हैं दे आर मोर बेटर दे दे आर लेस प्रॉब्लमेटिक देन द पी पी रूट तो पीपीपी रूट से बेटर है इनविट्स अगर आप करते हो तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आप अंडर यूटिलाइज एसेट्स को मोनेटाइज करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है देन ओवर यूटिलाइज या वेल यूटिलाइज एसेट्स चौथा उन्होंने कहा है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है यू हैव टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड एक देर इज अ केस फॉर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस एज वेल कि आप इंडिपेंडेंटली इस प्रोसेस को मॉनिटर भी करो एंड गवर्नमेंट सेटअप करना चाहिए गवर्नमेंट को एक एसेट मोनीटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक एसेट मॉनिटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी सेटअप करे गवर्नमेंट जिसमें प्रोफेशनल्स कंपिटेंट प्रोफेशनल्स हो जो पूरी प्रोसेस को मॉनिटर uh, कर रहे हो तो दैट इज द थिंग विच वॉज इन दिस आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव विद मी यहाँ पे उड़ीसा कैबिनेट क्लियर द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तो उड़ीसा कैबिनेट उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने प्रपोज किया है टू अचीव एडॉप्शन ऑफ ट्वेंटी परसेंट बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन ऑल द व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव दो हज़ार पच्चीस तक उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया टू अचीव एडॉप्शन ऑफ ट्वेंटी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तो बीस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उन्होंने अचीव 2025, 2025 so uh, uh, दूसरे स्टेट्स जो है वो सीख भी सकते हैं फ्रॉम उड़ीसा उड़ीसा से ये सीख भी सकते हैं दूसरे स्टेट्स दैट इज बिग थिंग आगे देखो इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्पॉट रेयर मर्जन ऑफ मर्जर ऑफ थ्री जम्बो ब्लैक होल्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तीन ब्लैक होल्स का मर्जा जो है उसको नोटिस किया गया है बाय द इंडियन फिजिसिस्ट जो कि कहाँ वर्क एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो कि कहाँ वर्क कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स याद रखेगा एंड दे वर्किंग विद प्रोफेसर फ्रैंकोइस कॉम्बेस कॉम्बेज द पेरिस ऑब्जर्वेटरी ठीक है ना uh, ये जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये कहाँ के हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के हैं काम कहाँ कर रहे थे प्रोफेसर फ्रेंक कॉम्बेस जो कि ऑब्जर्वेटरी में उनके साथ काम कर रहे थे एंड ये बेसिकली द तीन गैलेक्सीज का जो मर्जर था उसको नोटिस किया गया ऑल थ्री मर्जिंग ब्लैक होल्स आर पार्ट ऑफ द गैलेक्सीज इन द टू कैन कॉन्स्टलेन तो ये जो गैलेक्सीज थी दे आर पार्ट ऑफ द टू कैन कैंस कॉन्स्टलेशन टू कैन कॉन्स्टलेन दे आर क्वाइट फार गिवेन दैट अर्थ नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर द एंड्रोमेडा इज टू पॉइंट फाइव मिलियन लाइट ईयर्स अवे तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो टू पॉइंट फाइव मिलियन लाइट ईयर्स अवे है जो ये नियरेस्ट हमारी गैलेक्टिक नेबर है नियरेस्ट गैलेक्सी आप एंड्रोमेडा बोलते हो एंड ऑल दिस मर्जिंग ब्लैक होल्स वर पार्ट ऑफ द गैलेक्सी टू कैंड का पार्ट था वो फार अवे uh, टू कैंड कॉन्स्टलेशन याद रखेगा इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज़ बताई कि जो बेसिकली यहाँ पे डिटरमाइंड uh, किया गया उसमें यूज किया गया यूरो, यूरोपियन टेलीस्कोप यूज़ किया गया जो कि म्यूज़ नाम से है देर इज यूरोपियन टेलीस्कोप कॉल्ड म्यूज़ म्यूज़ कहां पर है चिली में लोकेटेड याद रखेगा यूरोपियन टेलीस्कोप इज़ म्यूज़ विच इज़ लोकेटेड इन चिली दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ यहाँ पे बताई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम uh, मैं बताता हूँ फाइनल uh, पार्सक अब होता क्या है कि दो गैलेक्सीज जब कोलाइड करती हैं वन टू गैलेक्सीज कोलाइड देखो यहाँ किस तरीके से होगा दो गैलेक्सीज जब कोलाइड करती हैं तो देआर ब्लैक होल्स विल आल्सो कम क्लोजर इनके ब्लैक होल्स भी पास आएंगे अब उससे होता क्या है कि इससे एक कानेंटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग गैस में तो कैनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है अब धीरे धीरे कानेंटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो रहा है और ब्लैक होल्स का डिस्टेंस कम होता जा रहा है अब ब्लैक होल्स का डिस्टेंस जैसे कम होता जा रहा है और सेपरेशन uh, जब होता है वो नियरली वन पार से यानी कि थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर्स में होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लैक होल्स डिक्रीज विद टाइम टाइम के साथ ये डिस्टेंस डिक्रीज होता है एंड अराउंड वन पार सेक यानी कि थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयरस तक याद रखेगा उसके बाद क्या होता है दो ब्लैक होल जो रहते हैं आ, ये इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर फिर धीरे धीरे रुक जाता है ये दो जो ब्लैक होल्स थे जिनका मर्जर होता जा रहा था इनका फिर काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र रुक जाता है एंड ये फिर और करीब नहीं आ पाते इसको हम बोलते फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा कि फाइनल पार्सक प्रॉब्लम में आ जाएगा फाइनल पार्सिक प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये दो ब्लैक होल हैं ये फिर अपने बीच की जो दूरी है उसको नहीं घटा पाते हैं एनर्जी ट्रांसफर कैनेडी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब तीसरी गैलेक्सी आ जाती है थर्ड जब आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वही चीज़ यहाँ पे हुई है दैट इज़ द थिंग विच हैज़ हैपन हेयर एंड यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कि म्यूज़ है वो वेरी लार्ज टेलीस्कोप रियल में माउंटेड है चिली में दैट इज़ इन चिली दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर उसको आप याद रखिएगा ठीक है ना इंडिया एडेड 557 न्यू स्पीशीज टू द फॉनल वेल्थ इन 2020 जेडएसआई का कहना है कि इंडिया ने लगभग पाँच नई स्पीशीज जो है वो अपनी फोना की लिस्ट में ऐड किया है इसमें 407 नई स्पीशीज हैं एंड 150 न्यू रिकॉर्ड्स रिवील एनिमल मतलब याद रखेगा 450 न्यू स्पीशीज एंड 150 न्यू रिकॉर्ड्स हैव बिन अनवील्ड इन दिस ईयर अब ये एनिमल डिस्कवरीज़ 2020 एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया याद रखिएगा एनिमल डिस्कवरीज़ 2020 एक डॉक्यूमेंट है जो कि कौन पब्लिश करता है जेडेसाइज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्नीस सौ सोलह में आना था नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी में बना था नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी में बना था सौ साल पूरे हो गए थे दो दो हज़ार सोलह में इसको एंड इट इज द एपेक्स ऑर्गेइजेशन ऑन एनिमल टैक्स टेक्सोनॉमी एनिमल टेक्सोनॉमी की एपेक्स बॉडी इंडिया की इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो एनिमल टेक्सोनॉमी पर ये काम करता है उन्नीस सौ सोलह में मनाता है हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में है एंड रिपोजिटरी फॉर इट इट इज़ द रिपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शंस याद रखिएगा बायोडावर्सिटी एक्ट दो हज़ार दो का सेक्शन उनतालीस बोलता है कि जो आपका ZSI है दैट शैल बी द रिपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन कुछ स्पीशीज जो इस बार मिली है उसका नाम आपको बता दूं इसे हैं देखो ट्राइमेरे सुरसार ट्राइमेरा सलाजार इज अ ग्रीन पिट वाइपर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश ये नाम जरूर है मुझे ये वाला हरे वाले सांप का जरूर लग रहा है कि ये पूछेगा हरा वाला सांप क्या है ट्राइमेरे सलाजार इट्स अ ग्रीन पिट वाइपर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश ग्रीन पिट वाइपर विच इज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश फिर इसके अलावा डिकेन लाइकोडॉनसिस तो याद रखेगा लाइकोडॉन डिकेनेसिस विच इज़ अ डेकन वोल्फ स्नैक डिस्कवर्ड इन कर्नाटका डेकन वोल्फ स्नैक डिस्कवर्ड इन कर्नाटका ठीक है ना तो याद देखेंगे लाइकोडिस ये क्या है एक हैोल्फ स्नेक है फिर कर्नाटका में पाया जाता है ये वो सलाजार याद रखना अरुणाचल प्रदेश में सालाजार मिलता है ना सिलीदर हाउस का हैरी है पॉटर से लेके फिर बेंगलुरु बेंगलुरु इट्स अ बरोइंग फ्रॉग विच इज आफ्टर द सिटी ऑफ बेंगलुरु सफेर बेंगलुरु ये एक फ्रॉग है सफेरोथेरा बेंगलुरु एंड दैट वॉज देयर दैन इसके अलावा जायरियस अंजालाई इट्स अ डीप वाटर स्पीशीज ऑफ स्नैक ईल फ्रॉम केरला केरला की स्नैक हील की स्पीशीज एक जायरियस एंजालाई जायरियस अंजलाई इसके अलावा ग्लिप्टोथोरैक्स ग्लिप्टो ग्लिप्टोथोरैक्स ज्यू डी का स्पीशीज ऑफ कैटफिश फ्रॉम मणिपुर एंड क्लाइस्टर गैलेटियंसिस याद रखिए क्लाइस्टर गैलेटियंसिस इट्स स्पीशीज ऑफ स्क्रैब बीटल स्क्रैब बीटल फ्रॉम ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर ये लिख लेना सारी स्पीशीज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व से याद रखेगा स्पीशीज तो कुछ न्यूज़ में थी आई होप यू गॉट क्लिंग डेट आप इनको याद रखिएगा ठीक है आपके लिए सवाल है तपोवन प्रोजेक्ट कहाँ पर है तपोवन प्रोजेक्ट कहाँ पर है आप मुझे बता सकते हैं अगर इसकी लोकेशन तो दैट विल वेरी गुड तपोवन प्रोजेक्ट कहाँ पर है यहाँ पे अमेरिका आप बोल रहे हैं कि वी विल हंट यू डाउन बिडेन नहीं सॉरी वी विल हंट यू डाउन बिडेन वॉन्स अफगान नहीं है ना वी विल हंट यू डाउन बिडेन नहीं बिडेन ने कहा है ऐसा कोई किसी ने विडन को ऐसा नहीं कहा है तो दैट इज द थिंग अब ये ये इनकी शक्ल के मुझे तो देखो नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे देखो सी दिस फेस डू यू थिंक दैट ही कैन डू समथिंग लाइक दिस नो ही कैन नॉट ही कैन जस्ट लीव अफगानिस्तान इन द हैंड्स ऑफ तालिबान सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लेटर वीडियो प्लीज डू लाइश सब्सक्राइब कीप लविंग कीप शेयरिंग थैंक यू नाइस डे